संबल में खेत की मेड़ पर लगे पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में हुई फायरिंग में गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई। डबल मर्डर की घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे जिले के एसपी यमुना प्रसाद ने घटना की जानकारी के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। डबल मर्डर की घटना के बाद गाँव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। डबल मर्डर की घटना गुन्नौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गाँव में देर शाम की है। बताया जा रहा है रसूलपुर गाँव के रहने वाले बाबूराम और रामोतार आपस में ममेर फुफेरे भाई हैं। दोनों के बीच खेत की मेड़ के किनारे लगे पेड़ों को लेकर कई दिन से विवाद चल रहा था। दोनों ही मेड़ के किनारे लगे पेड़ों पर अपना दावा कर रहे थे। पेड़ों के विवाद को लेकर कल बुधवार को भी दोनों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था। लेकिन पुलिस ने दोनों के बीच हुए विवाद के मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से रामोतार और बाबूराम असले लेकर आज देर शाम अपने समर्थकों के साथ आमने सामने आ गए। पेड़ काटने को लेकर जमकर गाली गलौज के बाद दोनों तरफ कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान दोनों ओर से चलाई गई गोली लगने से बाबूराम और रामोतार की मौत हो गई। डबल मर्डर की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद जिले के एसपी यमुना प्रसाद पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना की जानकारी लेने के बाद एसपी यमुना प्रसाद ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद गाँव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। नाम क्या आपका? संतोष। जो ये मामला हुआ है, अब क्या हुआ थी? ये पेड़ है हमारे डोरे पे, तो उन्हें हमारे को काट ले। हाँ, और अपने हमने नौका ही पेड़ से काट ले, तो मैंने गहरे का ही तो ही बोले कि हमने काट ले, हमने ऐसे ही काट ले। हमने पुलिस बुलाई, पुलिस बुलाई तो वो दो लंकी पांटी ले गए। हमने कही फैसला कर लियो, उन्हें कही हम ट्रैक्टर चलाएंगे और जैसी भी थे डोरू डरवाएंगे। किसने कहा? और रामोतान ने और विद्या रामा ने और बिजनेस आने और जोगाने उठवाने सब रे पांच भैया आए और नोड़ा नोड़ा करे दोनों। तो हमने तो आज हम की लकड़िया मत भरियो, हमने पुलिस को फोन करो हमारी कार्रवाई ना करी कर दो सिपाहिया आए सिपाही में लग रहा था, उनने कार्रवाई ना करी। एक पुलिस वाले ने हमारे कल हमारे आदमी को बहुत धमकी दी कि नो कर दूंगा। तो हमने क्या जो तय तो बोले हम देखे यहाँ लकड़ी भर रहे हैं, तो ही तो वो फुल में हथियार रखे तैयार है, इकले गए हम पीछे पीछे भागे। तब तक तो फेर फार कर दई तो खेत में घेर के किले मारे। आपस में हो गई है? आपस में हो गई है। पल्ला देख जग निकल के चौका रहे, तो ही जब वो भाग जाता है धर भाजे तो खेत में घेर ले। फिर लोड़न ने मारी है गोली पिछले साने जो गुड़वा ने और वो का नाम विद्या राम ने तीनों ने मारी है, तीनों ने मारी है। चचा लगता है उनका, एक भैया लगता है मुमेरा फुफेरा है, आए बस एक अंत तक है। ये बताऊं ये मुमेरा है और रावतर है और ये तुम्हारी बाबा चौधरी गिर गई भैया जी। और भाई ये जो घटना हुई है गुन्नौर क्षेत्र में, इसका ये गुन्नौर में ग्राम रसूलपुर में दो आपसी रिश्तेदार हैं जो खेत में मेड़ पे लगे हुए पेड़ को काटने के विवाद में आपस में मारपीट की है और उसके बाद फायरिंग की है, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। आपसी मारपीट के जितने लोग शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।